टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 13,000 रुपीस। दोस्तों, क्या आपका बजट भी 13,000 रुपए है और आपको इस बजट के अंदर अपने लिए एक ऑलमोस्ट परफेक्ट फोन चाहिए, जहां पर गेमिंग के लिए पावरफुल गेमिंग चिपसेट लगा हो, अच्छी खासी कैमरा परफॉर्मेंस हो, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी हो, मल्टीमीडिया स्पीकर्स हो और तो और लंबी चलने वाली बैटरी भी हो। तो गाइस, आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें इस बजट के अंदर रेडमी की तरफ से कोई अच्छा और पावरफुल 5G स्मार्टफोन लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडमी का 11 Prime 5G। ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन हमेशा की तरह काफी अच्छे दिए गए हैं। वैसे हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है। डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल लगी हुई है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। साथ ही साथ 400 निट्स तक की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दी गई है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर भी आपको डिसेंट मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, लेकिन दोस्तों मेन कैमरा से आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज अच्छी मिल जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। इसी के साथ में बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको मिलता है 7nm बेस MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट और दोस्तों यहां पर आपको Mali G57 MC2 का GPU देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग यहां पर अंतुतु पर 385,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहां पर अच्छी निकाल कर देता है। गेमिंग वगैरह भी आप यहां पर अच्छी कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर LPDDR4X रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और ये फोन भी एंड्रॉइड 12 बेस MIUI 13 पर आपको मिल जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अप टू 11 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बात करें प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपये। तो अगर आप यहाँ पर अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी परफॉर्मेंस और तो और रेडमी की तरफ से कोई 5G स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। तो अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स का HOT 20 5G मिलेगा, पर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। वहीं पर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.58 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल मिलती है। साथ ही में 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, NEG का प्रोटेक्शन दिया गया है और 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगा हुआ है और ये एक लो लाइट सेंसर है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहाँ पर एक QVGA सेंसर मिल जाता है। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, फोटोज वगैरह भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 810 का चिपसेट, जो कि आता है 6nm की फैब्रिकेशन पर और इस बजट के अंदर आने वाला ये काफी अच्छा चिपसेट है, जो कि आपको बजट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है, पर थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि फोन के अंदर eMMC वाली स्टोरेज लगी हुई है, जिससे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनग्रेड आता है, बट फिर भी इस बजट के अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। वहीं पर अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी, 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का स्लॉट और ये फोन भी आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर यहाँ पर आपको मिलता है XOS 10.6। तो थोड़ी सी और बेटर स्पेसिफिकेशन और एक अच्छा खासा टूर 5G फोन है, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। बात की जाए स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो नॉर्मली 4 और 64 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,499 रुपये पर गाइस। और दोस्तों, अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर वीवो की तरफ से आने वाला वीवो का T2X 5G, अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया और ये स्मार्टफोन भी लुक के मामले में काफ़ी कमाल का है। ये फोन भी पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, पर बिल्ड और डिज़ाइन के मामले में आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती। वैसे ये फोन भी 8.1mm की थिकनेस और 184 ग्राम्स के साथ में आता है, सो लाइट वेट और स्लिम भी है। चलिए बात करते हैं अब डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। साथ ही साथ पैंडा ग्लास का आपको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। 650 निट्स की ब्राइटनेस है, इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है।
और पॉसिबली 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी आपको दी गई है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी सेंसर मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको काफ़ी डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वैसे अच्छी बात है कि डे लाइट में और लो लाइट दोनों में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर लेता है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है लेटेस्ट 7nm बेस्ड MediaTek का Dimensity 6020 का चिपसेट, जहाँ पर आपको आमाली G57MC2 का GPU दिया गया है और ये स्मार्टफोन ON2 पर लगभग 3 से 3.25 लाख के आसपास स्कोर करता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। वैसे आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे अगर पावर की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिल जाती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और ये स्मार्टफोन भी लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है, तो ये अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की गाइस, तो अभी तक ये कंफर्म तो नहीं हो पाया लेकिन यहाँ पर पॉसिबली दोनों 5G बैंड का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपये। हाँ तो फ्रेंड्स बढ़ते आगे और बात करते हैं अब अगले फ़ोन की। और अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का गैलेक्सी F14 5G। बात करें इस फ़ोन की तो ये फ़ोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए। डिस्प्ले की बात करें तो फ़ोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD+ वाली PLS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, अप टू 500 नीट्स तक की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्स की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्स की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं आप यहाँ पर कैमरास की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो शूटर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है। आउटपुट की बात करें भाई तो डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको 5nm बेस Exynos का 1330 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये कॉम्पिटिटर है Qualcomm Snapdragon 695 का, जो कि आपको यहाँ पर ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि गेमिंग आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं करा सकता लेकिन आपको डेली जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक साइड में 6000mAh का बड़ा सा बैटरा आपको मिलता है और साथ ही साथ ये फ़ोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। तो ओवरऑल बैटरी तो अच्छी है लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और तो और ये फ़ोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, लेकिन यहाँ पर आपको कोर एडिशन देखने को मिलता है। पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ गाइस, ये जो फ़ोन है ये आपको लगभग सभी 5G बैंड के सपोर्ट के साथ में मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको नॉर्मली पे करने पड़ेंगे 14,490 रुपये, बट दोस्तों बैंक ऑफर्स पर ये फ़ोन आपको मिल रहा है 12,990 रुपये की प्राइस पर, तो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर थोड़े से बैंक ऑफर्स लगाने पड़ेंगे लेकिन फ़ोन काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी अच्छा है, तो आप चाहें तो इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों इस लिस्ट का जो आखिरी फ़ोन है यहाँ पर भी आपको थोड़े से बैंक ऑफर्स लगाने पड़ेंगे लेकिन यकीन मानिए कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको बेस्ट क्वालिटी की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और ये स्मार्टफोन यहाँ पर Infinix का 05G 2023 एडिशन। बात करें इस फोन की गाइस तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन के काफ़ी कमाल के दिए गए। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.78 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल लगी हुई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, 500 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। चलिए बात करते हैं कैमरास की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है,
डे लाइट और साथ ही साथ दोस्तों लो लाइट में भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेटर फोटोज देखने को मिल जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS, तो ये भी काफी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 920 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 6nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो फोन काफी कम गर्म होता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 4,60,000 के आसपास स्कोर भी कर जाता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। वैसे ये फोन काफी अच्छी गेमिंग भी कराता है। इन सभी के अलावा LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज भी मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आती। बात कर ले पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आता है और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। और तो और बात करें प्राइसिंग की, तो 8GB की फिजिकल, 5GB की डायनामिक रैम यानी कि 13GB रैम, 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको पे करने पड़ेंगे 14,999 रुपये। पर दोस्तों अभी आपको यहाँ पर बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 13,499 रुपये की कीमत पर, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन है। और तो और फोन के कैमराज भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ अच्छे खासे 5G बैंड्स भी आपको मिलते हैं। तो अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 4 स्मार्टफोन जहां पर आपको बहुत ही कमाल की स्पेसिफिकेशन, तगड़े लेवल के कैमरास, अच्छी खासी परफॉर्मेंस वगैरह मिल जाती है। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।